कभी सच कभी झूठ कभी सच कभी झूठ कभी सच कभी झूठ कभी सच कभी झूठ कभी सच कभी झूठ। जी ले जिंदगी को जिंदा दिली से, लिखा जो नसीब में वही तूने पाया। कभी सच कभी झूठ 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 कभी सच कभी झूठ। ठंडा ठंडा पानी पीजिए सर। पांडे तुम्हें पता है ना मैं ठंडा पानी नहीं पीता हूं। सर बुरा ना मानिएगा, एक तो आप अपने बाल ठीक कर लीजिए और सर इस ठंडे पानी की जरूरत आपको पड़ेगी क्योंकि आज बॉस के केबिन में गर्मी बहुत है। पी लीजिए। अरे यार प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सर सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेट क्यों हुए हो? सर लेट कर कहा सर, लेट सड़क पे लेट जाता हूँ। सड़क पे लेट जाते हो? नहीं सर, सर मजाक कर रहे हैं सर, सड़क पे कौन लेटता है सर? अरे मजाक तुम कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ? मैंने कई महीनों पहले अग्रवाल एंड अग्रवाल कंपनी की फाइल मांगी थी, कहाँ है वो? सर वो बस ढूंढ रहा हूँ सर, मिल जाएगी सर। अरे पर कब मिलेगी? बस सर जब मिल जाएगी। अरे आखिर पता भी तो चले, राम नारायण के कब मिलेगी? सर जैसे ही मिल जाएगी तभी मैं आपको दे दूंगा सर, तब तक आपको मैं शंभुदास एंड शंभुदास गोविंद राम एंड पार्टनर्स की फाइल या तनुजा एंड वर्मा की फाइल दे दूं सर। नहीं सर अग्रवाल एंड अग्रवाल कंपनी की फाइल लाके दूंगा सर। सुनो। हाँ जी सर। आज तुमने बताया नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ? सर बहुत अच्छे लग रहे सर। भाभी भाभी, अरे भाभी वाव, आप कितनी खूबसूरत लग रही है। हेयर स्ट्रेट करने से तो आपका लुक ही चेंज हो जाता है। सच में आप अपने आप को मिरर में देखेंगी ना तो पहचान नहीं पाएंगी। अप्सरा मैं मिरर में देखकर ही तैयार होती हूँ। Beautiful you're looking. कहीं पार्टी में जा रही है? आज मुझे पीड़ित पति एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया जा रहा है। अरे वाह, तब तो आज जो भी पति आपको देखेगा ना आपका दीवाना हो जाएगा, चकरा जाएगा, इनफैक्ट गिर पड़ेगा। कहाँ गिर जाएंगे? आपके पैरों में और कहाँ। और सच में अगर भैया भी यहाँ पे होते ना तो अब तक वो आपके पैरों में गिर चुके होते। भैया की बात तो रहने ही दो, वो तो वैसे भी गिरे हुए हैं। और आप बस भी करो ना मुझे नजर लग जाएगी। नजर कैसी भाभी, वैसे भी आपने विग पहना हुआ है और वो भी डाई किया हुआ। ज्यादा बोल रही हो? ज्यादा बोलना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। सॉरी भाभी। इट्स ओके। फ्रैंकली अगर आपको बताओ ना आज आप किसी टॉप मॉडल से कम नहीं लग रही है। थोड़ा सा कैटवॉक ट्राई करेंगी ना तो अच्छी अच्छी टॉप मॉडल्स की छुट्टी कर देंगे आप। अच्छा करके दिखाओ। ओके अभी दिखाती हूँ। देखिए हाँ स्टार्ट। पहले लेफ्ट आगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ओके वेरी इजी, विल लुक अराउंड। ओके क्या कर रही हो? जाओ जाके आदित्य का कमरा साफ करो। जी मैम। भाभी एक बार और करें? हाँ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ मिस्टर शर्मा, बेंगलोर की चार टिकटें ना? राइट सर, हो जाएंगी। ओके सर। समझ में नहीं आ रहा
फाइल को धरती खा गई या आसमान उड़ा के ले गया यार। इतना तो मुझे याद है कि ऑफिस से घर ले गया था, घर से फिर मैं उसे वापस लाया था, फिर मैं घर ले गया था, फिर वापस लाया था। राम नारायण जी, मैं आपकी हेल्प करूं? देखिए, अगर आपके पास अग्रवाल और अग्रवाल कंपनी की फाइल है तो मुझे दे दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। राम नारायण जी, आप एक काम कीजिए, आप बॉस से जाकर के माफी मांग लीजिए और कह दीजिए कि आपको फाइल नहीं मिल रही। भाई भला हम ऐसा खेल क्यों खेलेंगे जिससे आपकी इज्जत जुड़ी हो। भाई फाइल का इज्जत से क्या लेना देना। देखिए पांडे जी, बहुत सिंपल सी बात है, अगर फाइल नहीं मिली तो बॉस जो है इनको नौकरी से निकाल देंगे, और जहां ये अगर नौकरी से निकल गए तो भैया मेरी भाभी यानी कि इनकी घरवाली इनको घर से निकाल देंगी, और ये घर से निकल के आ जाएंगे सड़क पे। और जब आ गए सड़क पे तो मुझे बताओ यार इज्जत कहां रही। राम नारायण जी, आपको फाइल जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। मैं फाइल ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। लीजिए आप पानी पीजिए। थैंक यू पांडे। फाइल तो मैं भी ढूंढ के ही रहूंगा, चाहे मुझे पूरा ऑफिस ही क्यों ना साफ करना पड़े। एक बात पूछूं आपसे? पूछो, मगर काम करती रहो ताकि हम भी अपना काम, मेरा मतलब है बातें कर सके। पूछो क्या जानना चाहती हो? ये जो आप बुक पढ़ते हैं, योग, योग साधना शांति और तृप्ति, ये सब एक ही बुक का नाम है? ये बुक नहीं है, योग और भोग का संसार। इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है इसके अंदर। सब कुछ? इसका मतलब इसमें मेरे भविष्य के बारे में भी लिखा होगा? अवश्य, पर तुम काम करती हो। देखो तुम काम करती हो ना तो तुम्हारे गुण बढ़ते हैं। गुण? गुण क्या होता है? क्या तुम सारा ज्ञान आज ही प्राप्त करना चाहती हो? अरे तुम यहां भी तो साफ करो, हम तुम्हें बताते हैं क्या होता है। हम तुम्हें बता, देखो भविष्य यानी फोरकास्ट, जिसके माया जाल में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। भविष्य यानी टुमारो को मारो गोली, गुजरे कल को भूल जाओ, यही हर सुख शांति का आधार है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो तुम रुको, काम करती रहो, तुम्हारे रुकने से हमारा मन भी रुक जाता है। हर मनुष्य काम करने के बाद ही सुख पाता है, इसमें ना कुछ हमारा जाता है ना तुम्हारा जाता है। ये आपका काम फिनिश हो गया। जेनी तुम काम बहुत फास्ट करती हो, काम को धीरे धीरे प्यार से हौले हौले करना चाहिए। जब काम प्यार से होता है तभी उसका आनंद आता है, बाकी काम तो ना काम है। अब मैं जाऊं? अब तुम आई हो तो जाना तो पड़ेगा ही, पर जाते जाते मेरे लिए एक कप कॉफी अपने प्यारे प्यारे हाथों से। जी ठीक है। Get on me.
हेलो अप्सरा. हे हाय सपना, वन सेकेंड. हाउ आर यू? आई वाज वेटिंग फॉर यू. या फाइन डार्लिंग, कम कम कम. टेल मी, अरे जब देखो तुम एक्सरसाइज करती रहती हो, बट इट्स गुड. या ऑफ कोर्स, अगर इंडस्ट्री में अपना नाम करना है तो टोन तो रहना ही पड़ेगा, फिगर जरूरी है. यू नो बेबी, कल मैंने एक मूवी देखी, घूम तू. हाँ, ट्रेलर देखे मैंने. ऐश्वर्या चोपड़ा कितनी मोटी हो गई है ना. रियली? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो पूरी मूवी देखी है ना. तुम्हें नहीं लगता? अगर मैं उसके जैसा टैन मेकअप कराऊं और उसके जैसी ड्रेसेस पहनूं तो मैं उससे ज्यादा अच्छी लगूंगी यार. हाँ हाँ यार, लुक एट योर फिगर यार. पर क्या करें, उसने एक्टिंग भी तो अच्छी की है ना. सपना, जूस पियोगी? ओह व्हाई नॉट. बाय द वे, वैसे आदि, नमस्कार. हे, कम ऑन इन. जी, हम अभी आप ही को याद कर रहे थे. देखा, आपने हमें याद किया और हम चले आए. वैसे आपकी दो आंखें हैं पर हमारी चार. दो आंखों से हम योग करते हैं और दो से साधना. बताइए, आपने हमें कैसे याद किया? वैसे सपना काफी वक्त से आपकी ब्रह्मचारी की ड्रेस डिजाइन करने के लिए कह रही है. एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं. आपके लिए हमारे कक्ष के दरवाजे हमेशा खुले, आप जब चाहे हमारा नाप ले सकती. लेकिन आने से पहले आप हमें सूचित जरूर कर दें. वो क्यों? क्योंकि सारी भावनाएं मन से होती हैं. जब मन और शरीर की शांति का संगम होता है तभी तो आत्मा को तृप्ति मिलती है. इसलिए हम अपने कक्ष को शुद्ध करके आपसे भेंट करना चाहेंगे. वैसे अब हमारा जलपान का समय हो, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकती है. जी शुक्रिया. नमस्कार. यार, आदि जैसी लड़के अगर ऐसे बात करेंगे तो हम जैसी लड़कियों का क्या होगा यार. हे, आई होप यू नॉट गेटिंग सीरियस फॉर हिम. फॉर इंफॉर्मेशन, ही इज ब्रह्मचारी. ओके, ब्रह्मचारी. रामनारायण जी, खाना खा लीजिए, फाइल मिल जाएगी. फाइल मिल गई तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो? तो क्या होगा, साहब फांसी पे चढ़ा देंगे. आप लोग तो बस तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना देते हो. रामनारायण जी, आप खाना खा लीजिए. वैसे भी लंच ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और लंच के बाद बॉस बाहर आ जाते हैं. और आते ही रामनारायण जी को टोकेंगे कि कोई भी काम टाइम पे नहीं करते. आप नहीं बात सुन, आपके खाना नहीं खाने से क्या आपकी फाइल मिल जाएगी? आप फाइल की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दीजिए. वैसे भी आपने सोच सोच कर अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लिया. चलिए खाना खाइए रामनारायण. लीजिए ये फाइलें हटा दो. हाँ जी. तुम जैसे लोग इस दुनिया में सारे हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी इस दुनिया में. आप लोग खाओगे? थैंक यू.
कभी झूठ कहीं धूप झूठ की कहीं सच की छाया नजर आ रही हर सू पैसे की माया कभी सच कभी झूठ कभी सच कभी झूठ कभी सच कभी झूठ कभी सच कभी झूठ कभी सच